हालांकि होम में मैच था, होम ग्राउंड में मैच था, लेकिन कोई मजा नहीं आया। द बेस्ट बॉलर ये इंडिया खेल गया, आप अंदाजा लगाएं कैसे कैसे इंडिया खेल गए हैं। जिन प्लेयरों को करना पड़ेगा ना, अग्रवाल को ही मस्ट हैव टू स्कोर, ठीक है मकरम आ जाएगा कुछ बेहतर हो जाएगी टीम, लेकिन ज्यादा जो है वो ब्रुक फिलिप्स मकरम इनके गिर्द गेम घूमेगी। बड़े मार्जिन से जीत देखने को मिली राजस्थान रॉयल्स की, और राजस्थान रॉयल्स की पारी देखने में ही मजा आया। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद से जिस तरह की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। 72 रन से 72 रनों से जीत जीता है राजस्थान। 350 सैमसन बटलर जायसवाल, कमाल की बैटिंग देखने को मिली। एक तरफा जीत पर कैसा रिएक्शन है पाकिस्तान का? और हालांकि होम में मैच था, होम ग्राउंड में मैच था, लेकिन कोई मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं। और मजा आया है तो बटलर की बैटिंग का, जायसवाल की बैटिंग का, संजू सैमसन की बैटिंग का, और एंड पे ये जो थोड़ी सी हिटिंग होगी हैदराबाद की तरफ से, लेकिन मैच तो तब तक खत्म हो चुका था। मतलब ये क्या है, 50-60 रन, 5-5, 6-6, 7-7 आउट होके जा रहे हैं, ये क्या क्या है भाई, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच आज का वाला भी, और कल दिल्ली वाले ने भी यही काम किया। तो मैचेस जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के हो रहे हैं, क्लोज मैच नहीं हो रहे, बट वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग मैच इन अवर हैंड, RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियन की एक हिस्ट्री रही है कि वो पहला मैच तो हमेशा ही हारते हैं, तो क्या वो उसको आज दूर कर पाएंगे? वो जो एक आदत सी है, बुरी आदत लगी हुई है कि पहला मैच हारना ही हारना है, तो आज क्या वो जीतेंगे कि नहीं? और टॉस हो चुका है, वहां पे मैच भी शुरू होने वाला है अभी, तो उसमें जो सूरत हाल है, क्या हुआ, क्या करेंगे? RCB बॉलिंग करेंगे, और टॉस जीत के फैसला कर लिया, प्लेइंग 11 पे अभी हम जरा निगाह दौड़ा लेते हैं कि भाई ये क्या सिलसिला है, किस तरफ जाएगा ये सिलसिला। तगड़ी टीम रखी है जी आपकी मुंबई इंडियन में। हाँ, तो आज मुंबई मेरी टीम है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल टीम RCB है, तो फिर मुंबई मेरी तरफ। मैं मुंबई कड़ी हल्की टीम है। आपने चेंज अनुराग के आपके दिल में अगर खुशी के लड्डू हो तो आप मुझसे फिर क्यों पूछते हैं? सर ये बताएं, अगर आपको तुक्का लगती है अपने अंदर औकात पैदा करे, इतनी एक मिनट, ये कल से लगा हुआ है कल। अबे बेटा तेरे में सांस है, दो टीमें, एक रिजवान हैदर की ऑफिशियल टीम है, मैं कह भी रहा हूं इसमें मैं क्या प्रिडिक्शन दूं कि सनराइजर हैदराबाद जो है जीत जाएगा। मेरा बेटा अगर तेरे में सांस है तो तू मुझे बता दे RCB और मुंबई इंडियन के मैच की, मेरा बेटा प्रिडिक्शन दे दे, जल्दी से दे दे, शाबाश कौन क्या करेगा, मैं भी मान जाऊं। वहां बैठ के आसान होता है बाहर बैठ के के दुम पकड़ ले, आप दुम तो मेरी नहीं पकड़ सकते। ये तो ऑफिशियल मैच था यार, नहीं ये एक टीम थी उसने जीता ही था, ये कल से मैं इसको देख रहा हूं। अच्छा पूछता भी है, सर ये बता दे बेटा जब मैं तुक्के लगाता हूं तो तू तू तुक्का ना ले, ना पूछो, हाँ तू ना ले तुक्का, कुछ और ले ले। इट वॉज अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय चहल, लेकिन ऊपर से बोल्ट ने कमर तोड़ दी, ये टीम इकट्ठी की है। लोग मुझे कह रहे हैं जी सनराइजर, अभिषेक मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इसका कोई भरोसा नहीं, वो त्रिपाठी को देखे, अग्रवाल शुड हैव टेकन द स्ट्राइक फर्स्ट बॉल, अग्रवाल को फेस करना चाहिए था, फिलिप्स को इतना नीचे ले आए। आप देखें इन सब में सबसे अच्छा उमरान मलिक है, और नवदीप सैनी इज द बेस्ट बॉलर, ये इंडिया खेल गया, आप अंदाजा लगाएं कैसे कैसे इंडिया खेल गए हैं। तो ये नवदीप सैनी भी इंडिया खेल गया 2 ओवर में 34, और 9 बॉले तो सौराठ की तरह। अब कोई ये कहे, देखे आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया था, अगर कोई ये कहे कि जनाब अब जैसे हम देश पांडे को रगड़ रहे हैं, अब देश पांडे तो चले बेचारा एक अननोन सा है वो, भाई जान आप तो इंडिया खेले हैं, टेस्ट खेले हैं, खेले हैं। ब्रुक को क्या हो गया जी? ब्रुक देखिए पहला मैच था, रिजवान साहब यू हैव टू गिव सम मार्जिन, पहला मैच है, फिलिप्स का भी पहला मैच है। आप देखें ना जो ओवर द इयर्स खेल रहे हैं, आप उनको देखें जो पहला पहला मैच खेलेंगे, यू कांट से अबाउट देम मच। जो खेल रहे हैं जैसे पराग सब खेल रहा है, अभिषेक खेल रहा है, फलाना खेल रहा है, त्रिपाठी इंडिया खेल रहा है, अगर आप पहली पहली और पहली पहली बॉलों पे आप आगे बंद करके, यार वो बोल्ट है, वो कोई आम बॉलर नहीं लगा हुआ जिसपे आपने कुहाड़ा उठाया, आंखें बंद की और दे मार तो 4.5। बैरल, इट वॉज अ कन्विंसिंग विक्ट्री, बट योर टीम
needs to understand you should have won that by over 100 runs. ये बड़े आराम से जो 72 से आप अच्छा कर सकते। नंबर टू आपने 203 सिर्फ किया है, 20-25 रन वहां पहले मैच से जो आपने सबक, हमने क्या सबक लेना है सनराइजर ने, कॉम्बिनेशन बैटिंग ऑर्डर अभिषेक, he might score in one or two matches out of 14, one or two matches, but Bhajan बाकी 10-12 मैचों में कौन करेगा, बहुत ही ब्रोक है जो जिन प्लेयरों को करना पड़ेगा ना, अग्रवाल को he must have to score, ठीक है मकरम आ जाएगा कुछ बेहतर हो जाएगी टीम, लेकिन ज्यादा जो है वो ब्रुक फिलिप्स मकरम इनके गिर्द गेम घूमेगी। अच्छा जी दूसरे मैच की प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, ईशन किशन, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड और निहाल वदेरा, अर्शद खान, पीयूष चावला, हृतिक हरितक शौकीन, जोफ्रा आर्चर, यह है जी टीम। और भाईजान आप दूसरी टीम आपकी जो है वो फाफ डिप्लोसिस, विराट, ब्रैसवेल, मैक्सवेल, शहबाज, दिनेश, कार्तिक, हर्षल पटेल, आकाश दीप, टॉपले, सिराज और करण शर्मा, ये है जी टीम। यहाँ मुंबई की हालत भी, वीडियो रिकॉर्ड होने तक के लेटेस्ट अपडेट आपको दे देता हूँ, खस्ता ही समझिए मुंबई की हालत। एक रन पर बहुत देर से देख रहा हूँ रोहित शर्मा को, लग रहा था कि विकेट बजाकर रखी है कप्तान साहब ने तो कुछ गजब का करेंगे, लेकिन नहीं, एक रन पर ही वापस चल दिए। 3 विकेट खोकर 26 रन पर खेल रही है मुंबई इंडियंस, मजा लीजिए मैच का। देखते हैं यहाँ भी कोई चमत्कार की उम्मीद है या फिर हमें यहाँ भी एक तरफा मैच देखने को मिलेगा। सूर्य कुमार यादव क्रीज उसी से उम्मीद है भाई, देखते हैं उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। मिलते हैं मैच के बाद, जय हिंद।